एक तरफ तो बनारस में कल जन सैलाब उमड़ा, सड़कों पर चलने की जगह नहीं थी, कहें तिल रखने की जगह नहीं थी तो गलत नहीं है। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जनता से पीपल कनेक्ट नहीं है, अगर नहीं है तो ये भीड़ कैसे आई फिर? नहीं देखिए, चारों तरफ बैरिकेटिंग लगा देना, सुरक्षा घेरे में चारों तरफ सड़कों को घेर देना, लोगों को एंट्री नहीं देना और कहना कि चारों तरफ जो है सड़कें भरी रही हैं, चारों तरफ से लोग जाम लगाए पड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़े हैरानी की बात होती है, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो है बहुत बेशर्मी से इस बात को कहते हैं कि माँ गंगा ने हमको गोद ले लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जिस माँ गंगा का नाम आप बार बार लेते हैं, उसी माँ गंगा के नाम पे आप लूट मचाए हैं। 32,900 करोड़ रुपया गंगा के नाम पे पास हुआ और भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम सारे लूट के माध्यम से, आज देख लीजिए गंगा की क्या हालत है। आज जो है आंकड़े बताते हैं कि गंगा दुनिया की पांचवी सबसे गंदी नदियों में से एक है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या हुआ 32,000 करोड़ रुपया, कहां गंगा साफ हुई है, कहां गंगा निर्मल हुई है? और गंगा के नाम पे जब जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट बना साथियों, तब ये तय था कि गंगा को हम शुद्ध करेंगे और गंगा में कोई नाला नहीं गिरेगा। और आज आप देख लीजिए 80 से यहां तक तमाम सारे नाले गंगा नदी में गिर रहे हैं। और दूसरा उसमें बात कहा गया था कि गंगा के किनारे हम बन लगाएंगे, बनकरण करेंगे, लेकिन आज देख लीजिए पूरे बनारस में, बता दीजिए हम कहीं। अच्छा, दो बातें राहुल जी, राहुल जी, राहुल जी, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो आपने भीड़ को लेकर सवाल खड़े किए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी सड़क से होकर गुजर रहे हैं तो आप नहीं जानते प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ? उनकी सिक्योरिटी से खिलवाड़ करना चाहिए इसलिए कि विपक्ष को कहीं परेशानी ना हो जाए? आप बनारस में चले जाइए अगल बगल गांव में। मैं 3 दिन से यही हूँ, आप पता लगा लीजिएगा। मैं 3 दिन से यहीं पर हूँ, मैं 3 दिन से बनारस घूम रही हूँ। सारे सरकारी संस्थान बंद कर दिए गए। मैं 3 दिन से बनारस में घूम रही हूँ, 3 दिन से बनारस की सड़कों बसों में भर भर के लाया गया। मैं 3 दिन से बनारस की गलियों में भी घूम रही हूँ राहुल जी। सरकारी जो कर्मचारियों को क्या समझ रहे हैं आप, उनको गुलाम समझे अपने पार्टी का? वो इस देश के सेवा के लिए लगाए गए हैं, आपके सेवा के लिए नहीं लगाए गए, आपके पार्टी का भीड़ बनने के लिए नहीं आए हो। आज आपने तमाम सारे जो है शिक्षकों को, तमाम सारे कर्मचारियों को, चलिए सुनील जी इस बात का जवाब दीजिए, उनको बहुत परेशानी हो रही है, कितनी भीड़ आप लोगों ने आखिर जुटा कैसे ली? और उसमें भी आपने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल कर लिया, आपने बस के कर्मचारियों का इस्तेमाल कर लिया, इतनी भीड़ जुटानी नहीं चाहिए थी आपको जी। अपने विषय को प्रारंभ करने से पहले एक बार यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहूंगा, चूंकि काशी की नगरी है, हम लोग हर हर महादेव के साथ प्रारंभ करेंगे, हर हर महादेव। अब चूंकि इस मुकाबला का जो प्रारंभ हुआ था वो राष्ट्रीय विषय के साथ हुआ, बहन प्रियंका जी के ऑडियो को हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि मोदी जी जब काशी आते हैं तो किसी कार्यकर्ता के साथ संवाद नहीं करते। ये इतनी बड़ी भ्रामक बात है कि अभी पिछली यात्रा में ही जब मोदी जी का काशी आगमन हुआ था तो इसी दक्षिणी विधानसभा के एक बूथ अध्यक्ष के घर उन्होंने भोजन किया था। शायद जो पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के लोग अपने आप को दावा करते हैं वो बूथों तक काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए शायद बूथ अध्यक्ष का घर क्या होता है, सेक्टर संयोजक का घर क्या होता है, सेक्टर प्रभारी कौन होता है, ये सब की जानकारी नहीं है, इसलिए शायद ऐसे भ्रामक विषय हम लोग के सामने आते हैं। दूसरा विषय जो आपने कहा कि भीड़ के कारण ऐसा करना पड़ा, स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री देश के हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो भी एसपीजी तय करेगी उसको स्थानीय मानक के अनुसार हम नहीं बदल सकते।